का नोटिस द्या मला बेकायदेशीर तुम्हाला घुसू देणार नाही. इथे यायचं नाही, ही माझी जागा आहे. मी काय म्हणतो तू येऊ जाऊ नका पुढे तू जा पुढे. मी काय म्हणतो कायदेशीर कामं करायचे जरा सामाना नोटीस किती नाही साहेब नोटीस द्या ना तुम्ही. सात नवंबर की दोपहर को युवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख अपनी टीम के साथ खड़ीगांव परिसर में मौजूद सर्वे नंबर 160/2 इस प्लॉट पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे. उनका कहना था कि इस प्लॉट पर प्लॉट मालिक फेरोज बदरुद्दीन खान द्वारा गैर कानूनी तौर पर मिट्टी की भरनी की जा रही है, लेकिन प्लॉट मालिक फेरोज खान ने इस कार्रवाई को बिल्कुल गैर कानूनी ठहराया और ये आरोप लगाया कि उनकी इसी ज़मीन के मामले में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ आपसी रंजिश उन्हीं के रिश्तेदार सदरुद्दीन खान के साथ जारी है और सदरुद्दीन खान के कहने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई उनके प्लॉट पर अंजाम दी है. उनका ये भी कहना था कि प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और जब उन्होंने प्रशासन से नोटिस मांगा तो इस पर प्रशासन ने कोई जवाब देने की बजाय ये कहा कि अगर वो सरकारी काम में बाधा डालते हैं, सरकारी काम में कोई रुकावट डालते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खैर, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया. उनके प्लॉट के आसपास जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे तोड़ दिया गया है और इस दौरान प्लॉट मालिक फिरोज बदरुद्दीन खान के साथ प्रशासन के अधिकारियों की काफ़ी बहसबाजी भी हुई. प्रशासन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि फिरोज खान ने उनके साथ धक्का मुक्की की है. नोटिस के ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए दीवा प्रभाग समिति सहायक आयुक्त फारूक शेख का कहना था कि ये कार्रवाई बिल्कुल ही कानूनी तौर पर की गई है, बिल्कुल सही कार्रवाई की गई है और इस ताल्लुक से सभी प्रमाण जल्द ही सौंप दिए जाएंगे. खैर, इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए फिरोज खान ने भी अपना पक्ष रखा है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. कहा जाता है कि इस ज़मीन को लेकर काफ़ी वक्त से रंजिश जारी है और फिरोज खान ये आरोप लगा रहे हैं कि उसी रंजिश के चलते उन्हें बार बार परेशान किया जाता है. हमने ये खबर जो आपको बताई है ये हम एक पक्ष की बात रख रहे हैं. दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपनी बात रखने के लिए बेशक हमसे रब्ता कर सकते हैं. लीगल नोटीस द्या मी मला. मी त्यांना लीगल नोटीस दिलेली आहे. त्यांनी इलिगल, तुम्हाला वाटते त्यांनी इलिगल पाळलं तुमचं काम? नाही आता काय करतो मी इलिगल केलं ना, मला इलिगल नोटीस द्या ना. मी कुठे नाही म्हणताय, तुम्ही नोटीस द्या मला. 300 केवची जे काय असेल ते द्या ना मला. मी बघतो ना राज्यसभेत तू सांगतो ना भरणी करायची नाही म्हणून. घेना नाव घेना दीपक सरकारी काम नहीं ओढे ना साहब. अरे बाबा गुन्हा दाखल होता है, तुम्हें गुन्हा दाखल करून दाखवा. मी तुम्हाला दाखवतो गुन्हा कशी दाखल होता है. उद्या ऐका ना, उद्या 14 तारखेला तुम्हाला पण कोर्टात हजर राहावे लागेल. हाँ
हमने खाली जेसीपी वाले बोला कि बिना आप नोटिस तोड़ नहीं सकते हैं, आप नोटिस दिखाइए, आप उनको हाथ लगाइए, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करा है तो फिर कर रहे हैं तो कार्रवाई कर सकते हैं। वही बोल रहा हूँ, चलो सामने भी जाने चालू कर रहे हैं, क्या हुआ सामने का नहीं आप हमको सामने नोटिस आले कसे काय तुम्ही बेकायदेशीर कामासाठी येतात, शत्रू फोन करता तुम्ही येताय, नाही ऐका शत्रूने फोन केला नाही तुम्ही त्याचा मागे जावला, आम्ही नाही ओळखत पण तुम्ही जाऊता त्याचा मागे, त्याचे या बाहेर चला त्याला आम्हाला आमची कारवाई तुम्ही नोटीस कारवाई अशी फोकट नाही करू देणार आहे, मला लीगल नोटीस द्या, माझा लाखोचा नुकसान कोण वरिष्ठांशी बोलू शकतो, तुमच्या वरिष्ठांना बोललो आहे, बेकायदेशीर ते पण आले तो पण सदरूला फॉलो करताय, बरोबर सदरू कोण तुम्हाला माहिती आहे, मला माझी कारवाई करू द्या, ऐका ना साहेब तुम्ही मी बेकायदेशीर काम तुम्हाला करू देणार नाही, बेकायदेशीर काम नोटीस द्या मला, बेकायदेशीर इथे भांडा आमच्या, मी काय बोललो तुम्ही आलात ना तुमच्या कायदेशीर नोटीस द्या मला, त्यानंतर आम्ही बघू तुमचे कुठल्या कायद्याने माहिती आलेत, पोलीस कुठल्या अधिकारी इथे पोलीस पोलिसांना स्थानिक पोलिसांना फोन करा, इस जगह को लेकर जो डिस्प्यूट है और आज हम देख रहे हैं कुछ कार्रवाई भी चली, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो ये कार्रवाई जो है ना ये पर्सनल पे कार्रवाई चल रही है, म्यूनसिपलिटी ऑफिसर सदरुद्दीन के बोलने पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है सदरुद्दीन खुद सामने आता नहीं है, तो सदरुद्दीन जो है एक माफिया है जो आज पहले ये तेल माफिया था, आज ये लैंड माफिया बन गया है, और ये लोगों को जो है बहला फुसला के उनकी जो है जमीनों के टोकन देता है और पैसे देता नहीं है, पूरे पैसे बाद में लोगों को धमकी देता है, मर्डर करवा देंगे मरवा देंगे, और इस तरह की धमकी कंटिन्यू उसकी चल रही है, और मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला है कि वो मेरा जो है वो उसने सुपारी भी दी है जिसकी वजह से मेरा मर्डर हो सकता है, रोड एक्सीडेंट या कोई झूठे केस में ये मुझे फंसवा सकता है, इसके बहुत सारे इसके कारोबार ही सारे काले हैं, और आज जो कार्रवाई हो रही है ये फारूक शेख जो है इसने कोई नोटिस अंडर एक्ट महाराष्ट्र म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से कोई नोटिस नहीं दिया, ये खुद डायरेक्ट आया है, आने के बाद में इसने डायरेक्ट डेमोलिशन किया है, बलजबरी अपना जो है पावर का दुरुपयोग किया इस आदमी ने इसके, और म्यूनसिपलिटी एक्ट के हिसाब से कोई नोटिस नहीं थी, ये मेरी लैंड जब मैंने तहसीलदार से मेजरमेंट करके इसको बाउंडेड किया था तो तहसीलदार भाई बाउंड्री कब लगती है जब आप कोई भी चीज़ को ये टेम्पररी हम लोगों ने लगवाया था, लेकिन ये सदरू के कहने पर और ये सारे लोग जो है और आज की तारीख में मुमरा और सबसे ज्यादा दीवा प्रभाग समिति के अंडर में लगभग 200-250 बिल्डिंग जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे महाराष्ट्र सरकार को 100-200-400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इनकी जेबें जो है भरी जा रही है और इनके अंडर इंस्ट्रक्शन में इनके देख रेख में चल रहा है, ये लोग सिर्फ नाम पुरता कार्रवाई करते हैं, आज पूरा ग्रीन जोन जो है एनवायरमेंट का जो भी है वो सब नुकसान हो चुका है, यहाँ जो एनवायरमेंट था जो यहाँ सारी चीज़ें रहती थी वो खत्म हो गया, अब नाम मात्र एनवायरमेंट बचा नहीं है, यहाँ की खेती की जमीनें थी लोगों ने जो है वहाँ पर सब भरने करके आज कंस्ट्रक्शन कर दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने जो कहा है कि आपकी जान को खतरा, आखिर किस इंसान से आपकी जान को खतरा? सदरुद्दीन और उसमें एसोसिएट जो है सदरुद्दीन ही इसके पीछे है, क्योंकि अगर मेरा कोई नुकसान होता है तो उसके पीछे सदरुद्दीन का ही हाथ है, क्योंकि आज 2-4 महीने आगे पीछे सिर्फ यही वजह है कि आपकी जान को इनसे खतरा है, क्यों वो आपकी? हाँ उसकी सिंपल वजह यह है कि मैंने उसको ये जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद जब मैंने पैसा मांगना शुरू किया तो उसने धमकियाँ देना चालू कर दिया कि मैंने जो है मेरे से पैसा मांगना नहीं, पहले मैं मेरा नाम आने दो, मतलब पैसा दो नाम आ जाएगा आपका, तुम्हारा फेरफार है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके दिया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसने वो नहीं किया तो मैंने उसके अगेंस्ट में जो है उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करके मैंने कोर्ट में नोटिस मतलब मैटर फाइल कर दिया है, अब वो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी इंशाल्लाह कैंसिल हो जाएगा जल्द से जल्द। आपके रिलेशन में भी लगते हैं? सुनो ना वो बातें छोड़ दो, क्या है जो चीटर आदमी होता है ना उसका कोई रिलेटिव नहीं होता है, तो ये आज जो कार्रवाई की है जो हमने अधिकारी से बात किया उन्होंने बोले इनको भरनी करने के लिए मना किया था, भरनी कर रहे उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं,
वरनी अभी देखो इधर ये जो है आपको ये गाड़ी और ये सब जो खड़ा दिखाई दे रहा है बराबर है, ये अगर वर्नी कर रहे थे तो इनको मुझे नोटिस देना चाहिए कि भाई आपने फीलिंग किया है मुझे बीएमसी थाना महाराष्ट्र म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से नोटिस दो कि भाई आपने इतना उसकी पेनल्टी मारो। ये नुकसान करने का अधिकार इनको किसने दिया जो मेरी बाउंड्री के ऊपर, इसलिए सिर्फ मैं पना पे अपने मैं पना पे ये लोग सारे ये कारोबार कर रहे हैं। ये जो इलीगल जो यहाँ पर कार्रवाई हुई आप जो कह रहे हैं, हाँ उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे? यस 100% कल से लूंगा मैं, अभी यहाँ से जाने के बाद मैं कल इनको सारे लोगों को नोटिसेस दूंगा और जो इन लोगों ने जो नुकसान पे है और जो इनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में आके। हम लोग लीगल फॉलो करते हैं, हम जबरदस्ती किसी के अगेंस्ट में जाते नहीं, ना हमारा कोई लेन देन है। हमारी प्रॉपर्टी को उन्होंने जबरन ला के आज सदरुद्दीन के बोलने पर फारूक शेख और महेश आयरे के इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये कार्रवाई हो गई। साहब आपको नोटिस दिखाया, उन्होंने आपको नोटिस दिखाया, कायदेशीर कार्रवाई वो होती है जिसमें नोटिस दिया लिया जाता है उसका हम फॉलो करते हैं। तो वो यहाँ पेस्टिंग है, कहीं आपको कोई नोटिस पेस्टिंग दिखाई दे रही है? आपको कोई पेस्टिंग नोटिस दिखाई दे रही है कि ये कायदेशीर है? अगर इन्होंने नोटिस भी 24 घंटा पहले भी लगाई होती तो मैं मानता था कि ये है, इन लोगों ने कोई इस तरह की कोई नोटिस नहीं छोड़ी। आपकी जगह पे विवाद चल रहा था, स्टे लगा हुआ था, वो स्टे देखो आज भी स्टे है इस जगह पे। हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला है और कोर्ट ने ये बोला है कि नॉट टू क्रिएट थर्ड पार्टी राइट्स, नॉट टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और नॉट टू लेवल ग्राउंड भी आप लेवल नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ भी। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इलीगल बिल्डिंग यहाँ पे बन गई है, उसमें लोग भी रहने आ गए और गरीब लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा घर होगा, तो अगर ये कार्रवाई होगी तो वो भी बेघर हो जाएंगे। तो सुनो ये सुनिए मैं क्या कहता हूँ, गरीबों को लूटने का ये धंधा है इलीगल जीपी बिल्डिंग। ये गरीबों को जो कम से कम में जो फ्लैट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये एक तो गरीबों की लूट, क्योंकि उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई है, कोई रिक्शे वाला है, कोई टेम्पो वाला है, कोई बस वाला है, ये बेचारे किसी से कर्जा लेके कुछ कारोबार, ये बिल्डिंग है वो टीएमसी में नहीं खरीद पाते, उसकी वजह ये है कि ये इलीगल बिल्डिंग, नहीं तो उनको वहाँ लोन भी मिले और इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी में वो लोग घर भी नहीं ले सकते। लेकिन एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो म्यूनसिपलिटी अधिकारी चला रहे हैं और इसमें कमिश्नर से लेकर नीचे तक सारे लोग इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। प्रशासन से क्या अपील करें? देखिए मुख्यमंत्री यहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं और वो लोगों के भलाई के काम करते हैं और प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो करप्टेड है, जो करप्शन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे दीवा प्रभाग समिति के अधिकारी है, इनके खिलाफ मैं सरकार से चाहे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और इनके अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्शन बनता है वो किया जाए और हम अपनी कानूनी प्रक्रिया जो है कल से इनके अगेंस्ट में इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट में कल से चालू कर देंगे। मतलब कार्रवाई करू दिया मैं नंतर तुम्हारा यही कर दूंगी वाइट दे सर, ठीक है? बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस नहीं दिया है आपने। आम्ही है ना कायद्याच्या प्रक्रियेचा अवलंब करून कार्रवाई करतो आहे आम्ही, ठीक है? रूल के हिसाब से वो बता रहे कि आपको पहले नोटिस देना चाहिए, वो कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, बोले कार्रवाई करो। तुम्हारा लक्ष्य देता का मैं काय बोललो तुम्हाला, मैं एक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून मी कार्रवाई करतो, ठीक है? आता मला कार्रवाई करू द्या, प्रमाण की मांग कर रहे ना सर, तो उसका कुछ है? आता सांगितलं ना मी तुम्हाला एका वाक्यामध्ये सांगितलं मी टीएमसी अंतर्गत 200 इनलीगल दादा, आता प्लीज राहू द्या।